अगली बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आपको बता दें, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है। हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की मांग की थी, जिसकी इजाजत मिल गई है। प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था के आदेश भी दे दिए गए हैं। ASI सर्वे की कार्रवाई में तहखाने की साफ सफाई हुई थी। जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से जो निर्णय सामने आया है ज्ञानवापी मामले में, बताया जा रहा है कि जो सर्वे हुआ थे SI का, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी और सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए थे। ये काफी लंबे समय से इसको लेकर जो कोर्ट में हियरिंग्स हैं वो चल रही थी। ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। देखिए वहां पे, वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के लिए। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं? जी बिल्कुल 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 जा सकते। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहां पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खुलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए।